अमेरिकी ड्रोन स्टेलकर VXE ने 39 घंटे तक उड़ान भरने का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। ये दावा इस ड्रोन को बनाने वाली अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने किया और बताया कि इसी साल 18 फरवरी को अमेरिका के कैलिफोर्निया में परीक्षण के दौरान इस ड्रोन ने 39 घंटे से ज्यादा की उड़ान भरी, जो ग्रुप 2 कैटेगरी यानी करीब 5.25 किलो तक वजन वाले किसी ड्रोन की अब तक की सबसे लंबी उड़ान है। और इस मुकाम को हासिल करने के लिए कंपनी ने ड्रोन में मौजूद बैटरी के साथ ही इसके पंखों पर अलग से एक फ्यूल टैंक फिट किया, जिसके बाद बैटरी की मदद से महज 8 किलोमीटर तक उड़ान भरने वाले इस ड्रोन ने सारी सीमाएं तोड़ दी और 39 घंटे से ज्यादा देर तक उड़ान भरने का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। कंपनी का दावा है कि इस परीक्षण से स्टेलकर VXE ड्रोन का और आधुनिक मॉडल तैयार करने में मदद मिलेगी, जिसका अमेरिकी सेना 2006 से इस्तेमाल करती आ रही है। क्योंकि महज 2.5 किलो वजन वाले इस विमान के बारे में कहा जाता है कि इस ड्रोन के बारे में कहा जाता है कि मुश्किल हालात में भी आसानी से टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है, जिसमें मददगार साबित होते हैं इसके लंबे पंख, जिनके साथ इसकी कुल चौड़ाई करीब 18 फीट है। और ये ड्रोन 93 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। यही नहीं, दुश्मन को चकमा देने के लिए ये आसमान में 12,000 मीटर की ऊंचाई तक पहुँच सकता है और इतनी ऊंचाई से भी इसका ताकतवर कैमरा दुश्मन के ठिकानों की सटीक जानकारी रिकॉर्ड कर लेता है। ये कैमरा इतना आधुनिक है कि दिन और रात ही नहीं बल्कि बादल छाए रहने पर भी साफ तस्वीर ले सकता है। इसके जरिए भेजी गई जानकारी किसी भी सेना के लिए अपनी रणनीति बनाने में मददगार साबित होती है।